हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं RBSE यानी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो कक्षा 8 का कोर्स है मैथ से संबंधित, उसका मैं मॉडल पेपर यहाँ पर डाल रहा हूँ, जो कि परीक्षा अब होने वाली है 2024 में। उनमें इस पेपर में से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे छात्रों, आप अवश्य इसको देखना, पढ़ना। इसी से संबंधित 10 क्वेश्चन मैंने कल वीडियो में डाला था, यानी कि पिछले वाले वीडियो में डाला था, उसको भी देखना और इसको भी अवश्य देखना। अध्याय 1 से संबंधित है, प्रमेय संख्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, MCQ टाइप। आइए हम इनको देखते हैं किस प्रकार से हल होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, -5/3 व 9/15 का गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए क्या दिया है, माइनस का 5/3। प्रश्न कह रहा है कि गुणा करने पर, यानी कि गुणा करेंगे किसको, 9/15 को। अब देखिए, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 5 3 15 कितना आएगा। 3 से 3 को काट सकते हो, 3 एकम 3, 1 गुणा 1 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा। साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 1 इसका आंसर हमें मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें प्रदान करता है। तो हमें कोष्टक में ए लिखना है। आइए दूसरा सवाल है, 4/5 × 1/3 प्लस 4/5 × 2/3 का मान होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए दो समान पद यह आपने दिए हुए हैं, तो इनको आप बाहर ले लेना 4/5 को, और लिखना है क्या, 1/3 प्लस 2/3। इनको हल कर दीजिए, देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 का 3 में भाग दीजिए 1 बार, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4/5, इधर ब्रैकेट है, आगे हल करेंगे इसको तो 4/5 ब्रैकेट 3/3। अब देखिए 3 से 3 को हम काट सकते हैं तो 1 बार जाएगा, अब 1 को गुणा 4/5 से करेंगे तो कितना आएगा, 4/5 ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें देता है का 4/5 वाला। ऑप्शन इसमें गलत हुआ है, एक बार देख लेता हूँ। 4/5 1/3 प्लस 2/3 है, इसका हमने एक बार निकाला, 4/5 हो गया, और 2 3/3 1 4/5 होता है, 3 से इसको काटते हैं तो कितना आता है, 4 हो जाएगा, और इसका होता है कितना, 5। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 12/15 का मान भी कितना होता है, 4/5 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा, 12/15 दिया हुआ है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इसमें भरना है हमें, या 12/5 लिख देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 4/5 इसमें दिया हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 3 करते हैं, प्रमेय संख्या को निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो प्रमेय संख्या देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर द हमारे लिए करेक्ट आंसर है। देखिए 4th नंबर, निम्न में से प्रमेय संख्या क्रम विनिमेय नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर द हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा, इसमें बाघ के लिए क्रम विनिमेय नहीं होता है। नंबर 5 देखिए, 2 प्रमेय संख्याएं ए और बी के बीच में प्रमेय संख्याएं होगी, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों ए वाला होगा, यानी कि a+b/2। इस सूत्र के माध्यम से हम इसके बीच में निकलने वाले असंख्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा।
सिक्स वाले प्रश्न में है, निम्न में से माइनस एक बटा दो का योज्य तत्समक है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई संख्या अगर माइनस की दी हुई हो तो आपको क्या लेना है, प्लस वाले लेना है। अब देखिए इसे ये कट जाएगा तो उत्तर आपको जीरो मिल जाएगा, यानी कि योज्य तत्समक का मतलब होता है शून्य। तो वो शून्य लेके आना है, ऐसी संख्या हमें लिखना है तो प्लस की दे दे तो क्या करना है, माइनस की करना है, माइनस की दे दे तो प्लस की करना है। तो इसमें कौन सी आएगी, प्लस वाली आएगी क्योंकि माइनस वाली दे हमें रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से 4/15 का गुणात्मक तत्समक है, निम्न में से 4/15 का गुणात्मक तत्समक है। तो देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था माइनस के 4/5 है, तो इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं तो 5/5 में माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक तत्समक का मान 1 होना चाहिए, तो 1 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए हमें प्रदान इसका होता है। ऐसे हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से हल करना समझ में आया होगा और ऐसे सवाल आप आसानी से परीक्षा में कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।